जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमारे समाज में कई सारे लोग होते हैं, उनका वेट मतलब वजन बहुत ज्यादा होता है, बड़े मोटे होते हैं वो लोग। हमारे घर में लोग हो सकते हैं, रिश्ते में, अड़ोस पड़ोस में, या हमारे ऑफिस में, हमारे सहकारी मतलब कलीग्स में, कॉलेजेस में हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में होते हैं। ऐसे लोगों को हमने देखा है, कई बार लोग टॉन्टिंग करते हैं, चिढ़ाते हैं। हाँ, जब तक यह चिढ़ाना हल्का फुल्का हो ठीक है, वह आदमी स्पोर्टिंगली लेता हो तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग उनको तरह तरह के नामों से बुलाते, अबे हाथी, अबे जाड़िया, अबे मोटू, यहाँ तक कि अबे रोड रोलर, अबे पेटू, अबे बलून, अबे गुब्बारे। कई बार ऐसे उनको टॉन्ट्स मारते हैं, क्या रे चार लोगों का खाना खाता है क्या, अबे जाड़िया, अबे मोटू, तेरे से कुछ काम होता है क्या। या कोई लड़की रहेगी तो बेचारे को बोलेंगे, घर में सिर्फ तू ही खाती है, तेरे भाई या बहनों को खाना खाने भी देती है कि नहीं, या तू सीढ़ियां क्या चढ़ पाएगा, या ये वजन तू उठा पाएगा क्या, इस चेयर में तू बैठ पाएगा क्या। इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं उनसे उन लोगों को दर्द तो जरूर पहुंचता है, भले ही वो हर बार ना दिखाए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे और मारने को आएंगे, बोलेंगे यार तेरे बाप के पैसे से खाता हूं क्या। लेकिन कुछ लोगों को अपमानित फील जरूर होता है, इंसल्ट होता है उनका, और दिल में तो दर्द जरूर होता है। दोस्तों कई लोगों का वजन अपने आप बढ़ता है, भले ही वो बहुत ज्यादा ना खाते हो, उनका डाइट कंट्रोल हो, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करते हो, फिर भी वजन उनका वजन मतलब वेट बढ़ते जाता है। वजन बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो होता है जेनेटिक, मतलब जिसको अनुवंशिक बोलते हैं, जो फैमिली में आता है, फैमिली ट्री से, दादा दादी के साइड से, नाना नानी के साइड से। या दोस्तों ओबेसिटी भी एक बीमारी है जिसमें वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। कुछ तो बच्चों का मतलब 1 साल 2 साल 5 साल से ही उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा एक कारण होता है, बॉडी में कई सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कई सारी बीमारियां जैसे थायराइड की बीमारी हो, उससे वजन बढ़ सकता है। कुछ लोगों को कई सारी दवाइयों की रिएक्शन से उनका वेट गेन होता है। कभी कभी कुछ बीमारियों से या कुछ दवाइयों के रिएक्शन से स्वेलिंग मतलब सूजन आती है, हाथ पैर पे, चेहरे पे, तो मुंह इतना बड़ा लगता है, तो ऐसा लगता है वेट गेन हुआ है। महिलाओं को प्रेगनेंसी या डिलीवरी में वेट गेन, उसके बाद वेट गेन रहता है या वजन बढ़ा हुआ रहता है। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पचन क्रिया में कुछ इश्यूज हो तो वेट बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, या एक्सीडेंट होता है, तो कुछ लोगों को तो बेचारे बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं। कुछ लोग बाहर नहीं जा पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनका भी वजन बढ़ता है। कई बार लोगों को डिप्रेशन होता है, मतलब मानसिक तान तनाव जो होता है, एक मानसिक बीमारी होती है, उसमें वो दिन भर बैठे रहते हैं, दुखी रहते हैं, या ज्यादा खाते हैं, उससे उनका वेट गेन हो सकता है। कई बार उम्र बढ़ने के बाद जो ज्येष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी हड्डियां वीक हो जाती है, वो बेचारे बाहर चल नहीं पाते, वो घर में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनका भी वेट गेन होता है। तो सिर्फ मतलब वेट गेन या कोई मोटा आदमी है इसका मतलब है वो बस दिन भर बैठ के बहुत खाता है, हम लोग मानो 3 रोटी खाते हैं तो वो 10 रोटियां खाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सोचिए जो दोस्तों, अगर कोई इंसान मोटा है तो क्या वो बुरा इंसान है? किसने अधिकार दिया हमको उसका इंसल्ट करने का? आप देखिए कई सारे फैट पीपल होते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, जॉगिंग करते हैं मतलब दौड़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ट्रेकिंग करते हैं, और अपनी सामान्य सी जिंदगी जीते हैं, उतनी ही मेहनत या कष्ट करते हैं जितना एक इंसान करता है जो कि मोटा ना हो। दोस्तों इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया सोचिए अगर आपके रिश्ते में, अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई इंसान है जो ज्यादा फैट मतलब मोटा है, और जाने अनजाने में आप या और कोई उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे, तो आप उस दूसरे इंसान को भी रोकिए, उसको भी आप काउंसलिंग मतलब समुपदेशन कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त हो, ऑफिस में कोई कलीग हो, और सडनली आपको ये पता चल रहा है कि उसका थोड़ा वजन बढ़ रहा है या ज्यादा वेट गेन हो रहा है, अगर आपको रीजन पता है तो ठीक है, लेकिन आप उसको बोल सकते कि भैया आपका थोड़ा वेट बढ़ रहा है, आप कोई डॉक्टर को मिलिए और उसका रीजन फाइंड आउट कीजिए, और यह बात आप उसको प्राइवेट में बोलिए, 10 लोगों के सामने बोलना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको विनती करता हूं, कृपया टॉन्टिंग मत कीजिए। धन्यवाद।